हे गाइस, वेलकम बैक अप यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको दूंगी सीरियल गो में किसी के प्यार में का न्यू प्रोमो। अब तक आप पुराना प्रोमो देखे जा रहे थे, लेकिन अब न्यू प्रोमो भी आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, पत्र लिखा जिसमें खुश नज़र आ रहे हैं और साथ ही विनायक भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है। तो खुशी की बात क्या है, तो विराट का प्रमोशन हो चुका है मुंबई में और पत्रलेखा ने विनायक से बोला है कि अब हम तीनों हमेशा मुंबई शिफ्ट होंगे। तो गाइज यहाँ पे विनायक इसलिए खुश नज़र आ रहा है और साथ ही पत्रलेखा भी। जैसे ही डोर की बैल बजती है तो पत्रलेखा सोचती है कि विराट आ चुका है, लेकिन जब वो पाती है कि विराट तो यहीं पे है तो वो सोचती है कि अब डोर पे कौन हो सकता है। तो वो डोर खोलने के लिए जाती है और वो पाती है कि डोर पे तो सई खड़ी है। अब सई को देख के पत्रलेखा हो जाएगी शॉक कि सई यहाँ पे अब क्यों आई है, क्यों, क्या ये मेरे बेटे को छीनने आई है, क्या ये मेरे बेटे को वापस लेके जाने वाली है। लेकिन वो जब ये पाती है कि सई फुल अपने बैग्स के साथ आई है, सभी के साथ आई है, तो वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाएगी, साथ ही उसके विराट भी शॉक हो जाएगा। तो विराट अब सई से पूछेगा कि सई तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिसमें सई का जवाब होगा कि आप दोनों इतने शॉक क्यों हो गए हो, मैं तो वापस लौट के आई हूँ चवान निवास, क्योंकि ये भी तो मेरी फैमिली है, फाइनली मैं अपने घर आ गई हूँ। जिसे सुनकर पत्रलेखा हो जाएंगी बहुत ज़्यादा दुखी, साथ ही विराट को भी लगेगा धक्का। तो गाइज आगे स्टोरी क्या होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी ऑफ कोर्स। तो आगे स्टोरी को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पे अपकमिंग ट्विस्ट देती ही रहूँगी। वेल गाइस, यहाँ पर सई जो है करारा जवाब देते हुए कि मेरा भी ये घर है चवान निवास में, मैं वापस आ चुकी हूँ साथ में सभी के, तो अब हम दोनों यहीं पर रहेंगे। तो ये जवाब सुनकर पाकी हो जाएगी बहुत ज़्यादा दुखी और शॉक, और वो देखेगी विराट की तरफ कि विराट इसमें क्या कहेगा। तो गाइज अब देखते हैं कि इसमें विराट और पत्रलेखा क्या करेंगे, क्या ये सई को अपने घर में रहने से रोक पाएंगी या फिर नहीं। तो आगे की स्टोरी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। बस ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।